हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3445 पोस्ट को भरने के लिए यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो एक कॉमन गलती है जिसे न करने से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे और उन्हें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती है जिसे न करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। गाइस, यहाँ पर आपके लिए अंतिम मौका है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने का। केवल एक दिन शेष रह गया है जिससे पहले पहले आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको केयरफुली यहां पर अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हो या फिर अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, कैसे उसे आप रिसाइज कर सकते हो, कैसे उसकी केबीज को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर सामने आई है। इसे ग्रैब करने के लिए आपको अब अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सभी जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के तहत यहां पर कमर्शियल कम टिकट कलर, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेंच कलर के 3445 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। यहाँ पर इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2024 है। आप 27 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर आरआरबी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहां पर आने के बाद आपको ऊपर ही सबसे ऊपर इस वेबसाइट के टॉप पर अप्लाई का ये टैब दिया गया है। जैसे ही आप इस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर यहाँ पर आप इस पोर्टल के थ्रू भारतीय रेलवे की किसी भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पर इस पोर्टल पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको इसी टैब पर ही क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम एंटर करना है, फिर वही नेम यहाँ पर आपको रिटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपना जो आपने नेम चेंज किया है वो नेम यहाँ पर एंटर करके उसे एक बार फिर से रिटाइप कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप करनी होगी DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। के बाद आपको वही अपना जेंडर एक बार फिर से यहाँ पर रीसिलेक्ट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर वेरीफाइंग यूजिंग आधार ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार के अलावा कोई और
प्रूफ आईडी यहां पर सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर आप एंटर करें, इश्यूइंग अथॉरिटी आप यहां पर एंटर करें, किसने आपको इशू किया है, फिर आपको पहले से यहां पर एंटर कर देना है कब आपको इशू हुआ है या आपका आईडी प्रूफ, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करना है, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहां पर गाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहां पर अल्फा न्यूमरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहां पर इस सेकंड कॉलम में एंटर करके अपना पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है, अपनी इन रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को आपको केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अपने अकाउंट का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर CN 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि 12th लेवल, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड सेलेक्ट करना है। कोई भी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा फैच होकर आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो डेटा यहाँ पर आपको फैच करके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी फिल्ड कर दी गई है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, दो पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी यानी कि जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, किस अथॉरिटी ने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कब इशू किया है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको यहां पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पर आपको अपनी कैटेगरीज की डिटेल देनी है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपनी PWBD की डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट को फीस रिफंड होगी, उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन की सेक्शन में आना है और यहाँ पर 12th प्लस 2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने किस डिसिप्लिन में की है 12 प्लस 2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। फिर आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है। अगर आती है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नहीं आती है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB मैक्सिमम उसका साइज है। यहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद और अपना डॉक्यूमेंट आपका 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी 12th क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। और उसके बाद अगर आपने 12th के बाद आपके पास कोई ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो भी यहां पर आप ऐड कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहां पर आपको अपनी बाकी की क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देनी है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए आपको दी गई KBs और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपलोड करना है। इसी की वजह से यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि कौन सी वो कॉमन गलती है जिसे न करने से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो गाइस जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपलोड करना है। उसके अलावा अगर आप किसी और गाइडलाइन को यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसी गलती की वजह से यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर आपके फोटो की जो हाइट है वो 320 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो आपकी 240 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। इनका साइज 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करते हुए गाइडलाइन को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो हाइट है वो 60 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 140 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। साइज आपके जो सिग्नेचर है उनका भी 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर ये आपके सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपके जो साइन है वो व्हाइट पेपर पर या फिर विद ब्लू और ब्लैक लिंक पेन से एक बॉक्स के साइज में जिस जो कि 50 mm से 20 mm के बीच में होने चाहिए। इन दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइज आपको अपना फोटो या फिर सिग्नेचर या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जिनकी KB या फिर आपको उनका साइज कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर google.com ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में फोटो रिसाइजर टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होकर आ जाएंगी। उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करें और अपना फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हो। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर देने हैं और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको सभी पोस्ट शो कर दी गई है जिन जिन पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है एप्लीकेबल है। अब आप जिस भी पोस्ट को प्रिफ्रेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप प्लस के बटन पर क्लिक करें और इधर दूसरे इस कॉलम में उसे ऐड कर दें। जिस भी पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो फर्स्ट प्रिफ्रेंस पर ऐड होगी और जिस पर आप सेकंड टाइम क्लिक करोगे तो यहां पर उसे सेकंड प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। इन पोस्ट को ऐड करने के बाद अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर इन चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको पैलेस का नाम एंटर करना है अपने और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहां पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। अब यहां पर आपको पे विद या फिर पे यू इन में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहां पर आप नेट बैंकिंग HDFC बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूजिंग कार्ड HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू यहां पर आप फीस पेमेंट कर सकते हो और या फिर आप यहां पर UPI या फिर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहां पर या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपने RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।